जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं आज का वीडियो लेके आ गया हूँ, वो है एयरफोर्स कटा 2023। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के बारे में, बोध के बारे में, कटाप के मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है साथियों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पे आज का मेन जो मुद्दा है वो आपका है एयरफोर्स कटाप। तो एयरफोर्स कटाप जो है उसके बारे में पहले एयरफोर्स कटाप के पहले मैं बात करता हूँ सेक्शनल वाइज कटाप भाई, क्योंकि आपके मान लीजिए टोटल नंबर में बात करता हूँ, टोटल नंबर आपके भैया हो 40, ठीक, और सेक्शनल वाइज उन्होंने 8-8 नंबर दिया और आपको पता लगा फिजिक्स में 6 नंबर, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में पहले बात करेंगे कि आपका सेक्शनल वाइज क्या क्या कटा है। तो पहले बात करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके जो है, पहले बात करते हैं एक्स ग्रुप। आपके दो ग्रुप होते हैं, बोध पेपर होता है, तो आपका बात करते हैं यहाँ पे दो ग्रुप, ये आपका एक्स ग्रुप होता है, फिर दूसरा आपका होता है वाई ग्रुप, ठीक है। तो देखिये वाई ग्रुप में आपका पार्ट क्या होता है, इंग्लिश, फिर दूसरा आपका होता है रागा, ठीक है, दो पार्ट आपके हो गए। इसमें आपका क्या होता है, तो आपका पहला होता है इंग्लिश, फिर दूसरा आपका होता है फिजिक्स, ठीक। फिजिक्स के बाद आपको कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, फिजिक्स हो गया, उसके बाद आपका बात करते हैं मैथ, ठीक, मैथ टेक्निकल की होती है। इसमें आपका रागा पार्ट होता है, रागा के अंदर आपका जीएस भी आ जाता है, ठीक, रागा पार्ट के अंदर आपको क्या होता है, जीएस भी आ जाता है और आपका जो है रीजनिंग भी आ जाता है, उसके बाद मैथ भी आपका आ जाता है सभी। तो देखिए जो कुल मिला के इसका पूरा होता है, तो इसका पूरा टोटल पेपर की बात करूं तो टोटल पेपर आपका टोटल नंबर कितने का होता है, तो आपका टोटल पेपर ये होता है आपका 70 नंबर, ठीक है सर। फिर उसके बाद बात करते हैं इसका टोटल पेपर कितने का होता है, टोटल पेपर इसका 50 नंबर का होता है, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर की कटाव की बात करूं, तो प्रीवियस जो आपका 28 कुछ के आसपास गया था और वाई ग्रुप का जो था 31 नंबर के आसपास गया था। तो बात करते हैं सबसे पहले सेक्शनल, सेक्शनल क्या कटाव रह सकती है। तो देखिये अगर आपने जो है एयरफोर्स का एक भी जो है आपने लाइसेंस नहीं देखा है, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप जाकर उसको लाइसेंस को आप देख सकते हैं, क्योंकि हर एक सेंटर में जा जाके हमने सीधे लाइव बच्चों से सीधे बातचीत किए, क्या पेपर का पैटर्न है, किस तरीके से पेपर आ रहा है ये, और मैंने कुछ कम्युनिटी में जो है आपका जो है बोर्ड भी देखा है कि क्या कटाव रह सकती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा 2-4 मिनट दिखा देता हूँ। साथियों तो आपको अंदाजा हो गया होगा क्या कटाव रहने वाली है, फिलहाल अब जो कटाव है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शनल की बात करेंगे, सेक्शनल कटाव पहले आपका इंग्लिश का क्या रहेगा, तो इंग्लिश का जो सेक्शनल कटाव पहली बार, तो इंग्लिश का जो पेपर था वो बिल्कुल इस बार क्या था, आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। ऐसा कोई भी शिफ्ट देखिए आपका एग्जाम जो चला हुआ था उसमें आप देख लीजिए, जो 3 से 4-5 दिन का जो एग्जाम था उसमें आपका जो है, मैं बात करता हूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो भी पोर्शन आया किसी भी दिन का, किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा के आप देख लीजिए, आराम से बंदा, ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो 12, 13, 14, 15 आराम से अटेंड ना कर पा रहा हो। बहुतों ने तो 20 में से पूरे क्या कहते हैं 20 कर दिए हैं, ठीक है। और सेंटर में मैंने जाके पूछा तो बच्चों ने कह दिया पेपर बिल्कुल एकदम हलवा आ रहा है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश के सेक्शनल वाइज कटाव आपका 10 नंबर देना चाहूंगा कि 10 नंबर आपका सेक्शनल वाइज कटाव रहेगी। बात करते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स की पोर्शन की बात करें तो फिजिक्स का पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें फिजिक्स अच्छी खासी देखने को मिली थी, और इस बार का जो फिजिक्स था तो काफी बच्चे बता रहे थे कि 6 से 7 नंबर हर एक शिफ्ट में न्यूमेरिकल देखने को मिला है। न्यूमेरिकल में क्या होता है, टाइम जो है मैनेजमेंट नहीं हो पाता है बच्चों का, तो उस वजह से पेपर थोड़ा उनका सा कम सही हो पाता है। तो मैं इंग्लिश ही कटाव की बात करने वाला हूँ, तो इसका सेक्शनल की बात करूंगा तो 8 नंबर में इसको दूंगा, 8 नंबर जिसके भी है वो आपका क्या सेव कर सकते हैं। मैथ की बात करें तो मैथ का लेवल भी ठीक था, तो मैथ के लेवल के लिए मैं आपको इसमें आपका जो है 9 नंबर देना चाहूंगा, 9 नंबर जिसके सेक्शनल वाइज कटाव। अब बात करते हैं इसमें रागा पोर्शन की, तो रागा पोर्शन में जो मैं सीधे मैं बात करने वाला हूँ, तो रागा पोर्शन की जो बात है साथियों, रागा में जो है ठीक था, उनका पोर्शन ठीक था, जीएस भी ठीक थी, आपका मैथ तो भी ठीक थी, बस इस बार उन्होंने गड़बड़ क्या किया, रीजनिंग में नॉन वर्बल के जो चित्र वाले क्वेश्चन थे लड़के काफी परेशान होगा इसमें, तो इस वजह से रागा का जो पोर्शन है वो 14 से 15 नंबर जो है आपका सेक्शनल जा सकता है साथियों, 14 से 15 नंबर सेक्शनल है। देखिए बात ये सेक्शनल क्यों मैं बता रहा हूँ, सेक्शनल बताने का मतलब यही है कि आपके भैया हमने कह दिए टोटल आपके 40 नंबर और कट ऑफ आपके टोटल कितनी लगी 32 नंबर, मगर आपके फिजिक्स में 8 नंबर नहीं 6 नंबर है, तो आपका जो है सेकंड में नहीं होगा, इस वजह से मैं आपको सेक्शनल बता रहा हूँ साथियों। तो आप सेक्शनल पूरा बता दिया है आपको, अब मैं आपके फाइनल कटाव की बात करता हूं, क्या आपका जो फिजिकल के लिए आपका जो है ये फाइनल आपका जो है रहने वाला है फाइनल, तो ये आपका क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो देखिए 70 में से
देखिए फाइनल की क्या बात करूं, कट ऑफ की मैं बात कर सकता हूं, जो आपके मतलब की रनिंग कह सकते हैं, रनिंग के लिए आप क्या हो जाए क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए 35 जो है 70 नंबर है, 70 में से मैं इसको दूंगा 31 एक्स ग्रोथ, 31 नंबर दूंगा, बस इससे प्लस माइनस 2 या 3 नंबर का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, 31 नंबर एक्स ग्रुप वाले जिसके 31 अगर प्लस बनना है, वो अपना जो है फिजिकल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते। फिर उसके बाद बात करते हैं वाई ग्रुप, तो वाई ग्रुप का क्या कह सकते हैं, तो वाई ग्रुप का इस बार नॉन वर्बल जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं देखने को टफ मिला था, इस वजह से इस बार जो है इसका वाई ग्रुप का जो है आपका कटाव रहने वाला है साथियों। तो वाई ग्रुप का कटाव मैं आपको इसको दूंगा 33 प्लस माइनस 2, भाई 33 नंबर दिया, इससे प्लस माइनस 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए साथियों, हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आपका नंबर 2-4 नंबर आगे पीछे जा सकता है, भगवान हम भी नहीं है साथियों, जैसे सब बताते हैं उसी हिसाब से आपके ये कट ऑफ काफी जो है संघर्ष करने के बाद हम लोग कट ऑफ लाते हैं, ऐसे ही नहीं कि आया उठाया उसी से बता दिया, काफी जाते हैं एग्जाम सेंटर में जाते हैं, सबसे पूछते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उस आधार पर काफी डाटा कैलकुलेट करने के बाद ये कट ऑफ हम लोग निकालते हैं। तो अगर वीडियो जरा से भी आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें साथियों। तो देखिए ये आपका 31 आपका हो गया, 33 ये आपका हो गया, ये आपका एक्स ग्रुप का हो गया साथियों 31। अगर इतने नंबर से आप इतने बन रहे हैं साथियों, तो आप फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।